दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को। और ये देख रहे हैं एक बैनियन बॉन्साई, जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, उसके मैंने बॉन्साई बनाए हैं। पर कुछ नया है इसमें, वो तो आप देख के ही समझ गए होंगे। देख सकते हैं कैसे एलियन के तरह लग रहा है ये देखने में, या तो कोई डांसिंग पोजीशन। तो कैसे मैंने इसे बनाया है ये पूरा मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को। तो देखते रहिए आखिर तक, स्किप मत कीजिए, कुछ मिस हो जाएगा। और मैं जब ये बना रहा था, मेरे घर वाले और भी कोई ये पूछ रहा था, मुझे बोल रहा था ये क्या बना रहे हो, कैसा है, कैसा लगेगा, ये ख़राब हो जाएगा। पर हमें विश्वास था ये ठीक होगा। ये देख रहे हैं, ये मेरा मदर प्लांट है, तकरीबन 20 साल उम्र हो चुका है इस प्लांट का। तो यहाँ से शुरू होता है कहानी। ये देख रहे हैं पोजीशन, मैंने यहाँ से इसे कटिंग कर लिया था और फिर जाके उस पॉट में मैंने रिपोर्ट किया। दोस्तों इस जो मदर प्लांट है जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखा हूँ। आप मेरे चैनल में जाके इसके ऊपर जो वीडियो है वो देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत हो चुका है अभी ये प्लांट, आप खुद ही देख के समझ ले। देख रहे हैं कितने सारे एरियल रूट यहाँ से तैयार हुआ है। और ऐसे एरियल रूट कैसे तैयार किया जाता है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हो। तो देख रहे हैं एक जंगल सा लग रहा है, जैसे एक बड़े से बरगद के पेड़ पे जो एरियल रूट होता है। जब हमने शुरू किया था तब ऐसा ही पोजीशन था, एकदम दुबला पतला सा प्लांट खड़ा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो प्लांट देख रहे हैं पूरा ही एरियल रूट के ऊपर हमने इस प्लांट को खड़ा किया है। ऊपरी हिस्सा जो है वो तो ट्रंक है, और जो हमने मिट्टी में गाड़ दिए हैं वो पूरा ही एरियल रूट है, जिसके सहारे इस प्लांट को हमने खड़ा किया। और बाद में इसके जो पत्तियां हैं हमने काट दिए थे, फिर जाके ये प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा। तो अभी का पोजीशन तो ऐसा ही लग रहा है इसे देखने में। आगे चल के इसके ऊपर कई सारे काम करना बाकी है, और जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे इसके अपडेट मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। आखिर तक देखेंगे कैसा ये बॉन्साई बनता है और आपको भी दिखाएंगे। हमें तो कुछ नया करने का आशा रहता है हमेशा, और आपको भी दिखाने का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये प्लांट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक भी दे सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।